वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं और यही कल तीन बातें जो चुनौती बल्कि आप ये कहिए कि अनुज जी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही भी थी कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण आप नहीं देंगे। एक दूसरी बात ये कि एससी एसटी ओबीसी मतलब उनका वो ओबीसी जो है उनका आरक्षण आप इस तरीके से छीन कर उधर नहीं दे देंगे, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसको आप बंद कर देंगे। ये तीन चुनौती तो ऐसे है ना माननीय, इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो वीडियो ठीक है जो वायरल हुए, मतलब इनको खुशी तो तब है ना कि मतलब मुसलमानों को दे दिया जाए वो ठीक रहेगा, देश का हक, देश का पहला जो अधिकार जो है मुसलमानों को दे दिया जाए ठीक है, अगर वो संख्या में हमसे कम है तो क्या ये उचित रहेगा? हिमानी जी क्या ये इसमें खुश है? जो राष्ट्र है हिंदू बहुत ठीक है। सुमित सोनी जी अब एक रिएक्शन यहाँ पर ले लूं इसी बात पर, फिर उसके बाद दानिश कुरैशी जी का भी रुख करना है मुझे। पहली सुविधा मुस्लिमों को, कांग्रेस ने जो अपने न्याय पत्र में जो संकल्प पत्र में घोषणा पत्र में कहा है उनमें पांच न्याय के सबसे बड़ी एक प्रमुख न्याय की बात जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि भागीदारी न्याय, और भागीदारी न्याय क्या है? तीन चुनौती जो दी है वो चुनौती का ही जवाब उन्होंने उन्होंने मुझे लगता है घोषणा पत्र पढ़ा है लेकिन अपनी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ा है और जो चीज नहीं लिखी उनको बोल रहे हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है और जो बार बार कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी, राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं हम जनसंख्या का वो करवाएंगे और उसी आधार पर जो है जिसकी जितनी भागीदारी है जितनी हिस्सेदारी है उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समाज से आता हो। यही बात हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वाले लोग बोलें या उस चीज को नकार दें। क्या ये नहीं चाहते कि जिनकी जितनी भागीदारी है उसके आधार पर उनको आप चाहते हैं जितनी हिस्सेदारी मिलनी, आप चाहते हैं ना, चाहे वो एससी एसटी हो चाहे ओबीसी हो। 2011 में क्यों आपने सार्वजनिक कर दिया जब आप लोगों ने करा लिया था? अब ये मत कहिएगा कि सरकार बदल गई थी, क्योंकि सरकार बदलने में 3 साल का वक्त लग गया, 3 साल का वक्त बहुत होता है सार्वजनिक करने के लिए। 2011 से लेकर 2014 तक का आपके पास टाइम था, क्यों नहीं किया आपने सार्वजनिक? फिर कर्नाटक की भी अगर मैं बात करूं, उधर हिमाचल की भी अगर मैं बात करूं, क्यों नहीं किया आपने? चलिए मैं आपकी बात ही बड़ी कर लेता हूं हिमानी जी, अगर नहीं करा क्योंकि रीजन आप मानोगे नहीं, मैं कहता हूं नहीं किया किसी भी कारण से तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। लेकिन अब इनसे पूछ लीजिए ना, 2-10 साल से तो ये हैं, 2 चुनाव इन्होंने केंद्र में जीते हैं, तमाम राज्यों में चुनाव जीते हैं, अब तो इनका जवाब देने की बारी है, इनके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर चुनाव है ये कांग्रेस के 2004 और पीछे मत बोलिए, एक बार बस कंप्लीट कर ले फिर उसके बाद आप ये कांग्रेस के 2004 और 2009 के चुनाव के आधार पर वोट नहीं हो रहे हैं, ये 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव की इन 10 सालों की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जब आप आज बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं संख्या आप जानना चाह रहे हैं तो फिर जनता तो ये पूछेगी ना, जनता तो ये पूछेगी कि तब आप गलत थे या आज आप गलत हैं। मैं बता रहा हूं कोई गलत नहीं था, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, मेजोरिटी की सरकार नहीं थी, बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो कांग्रेस पार्टी लेना चाहती थी नहीं ले पाई, लेकिन 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 इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक विश्व नहीं थी, बड़ा विश्व मत गलत आंकड़े मत पेश करिए, आपके पास बहुमत नहीं था, आपके पास लगातार बहुमत था लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अगर 10 साल में 370 हटा देते हैं तो आपके लिए जो है वो 70 सालों में हिम्मत नहीं थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के बहुसंख्यक आबादी से जुड़ा हुआ राम मंदिर का था, सुप्रीम कोर्ट आने के बाद अगर राम मंदिर बना देते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं सुनने बैठे। अब सुनिए जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे मुगलों की बात बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अरे भैया बाबर की बिरादरी के लोग आज जिंदा है, औरंगजेब की बिरादरी के लोग जिंदा है, सलमान खुर्शीद जो देश के इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अगर उस शिक्षित परिवार से उनकी बेटी का ऐसा बयान आता है जो कि बहुत ही शर्मनाक है, उसको ढकने का काम किया जाता है। एक सांसद जो 6 बार से सांसद थे, उनके पोते का एक बयान आता है तो उसको ढकने का प्रयास किया जाता है। अगर ऐसे वरिष्ठ लोगों को जो कांग्रेस के अंदर बहुत उच्च पदों पर रहे उनके लोग अगर बयान देते तो कहते नहीं नहीं पार्टी का बयान नहीं है, मुस्लिम तुष्टिकरण में आप सिर्फ बयान मत दीजिए। जवाब ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता जानती है, इसीलिए लगातार ठीक है। क्विक रिएक्शन फिर दानिश जी। देखिए पहली बात तो ये है कि लोग कुछ भी बोल देते हैं यहाँ पे बैठ के, जानकारी दुरुस्त करें, सलमान खुर्शीद की बेटी ने कुछ नहीं कहा है, उनकी बेटी ने कोई बयान नहीं दिया है, कभी ये बोलते हैं प्रत्याशी ने बोला है, कभी बोलते हैं बेटी ने बोला, पहले जानकारी दुरुस्त करके नहीं, बेटी ने नहीं बोला, बोला नहीं। दूसरी बात बेटी ने नहीं बोला। हाँ। आगे मैं बात करता हूँ, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज हम उन पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं, आज क्यों नहीं
रमन्ना की बात होती है जो इनका बेंगलोर का जो सहयोगी है जिसके लिए पीठ थपथपाते हुए इन्होंने किया है, उसको विदेश से भाग दिया गया। कर्नाटक की सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख के भेजा है कि उसका पासपोर्ट रद्द किया जाए, उसको तत्काल देश में बुलाया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं देते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उसकी पीठ थपथपाई गई है, उसके लिए वोट मांगा गया है। ऐसा जघन्य अपराधी, ऐसा जिसने हमारी माताओं बहनों के साथ जिस तरह का क्रूर अपराध किया हो, क्या उसके साथ भी सख्त सजा की आवश्यकता? हम लोग उसमें भी राजनीति करेंगे कि ये मेरा है ये तेरा है? ये आप भ्रष्टाचारियों के साथ तो करते थे कि सिलेक्टिव होकर के आपने कार्रवाई की है, इन 10 सालों में देश की जनता ने देखी है। केवल उन भ्रष्टाचारियों पे आपने कार्रवाई की जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो भ्रष्टाचारी जो है पापमुक्त हो गए, उनके सारे केस बंद हो गए। हमने महाराष्ट्र में अजीत पवार को भी देखा है, हसन मुशरिफ को भी देखा, छगन भुजबल को भी देखा, जिनके फाइलें खो गई। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी कोर्ट में जाके कह दिया फाइल खो गई। अजीत पवार का केस बंद कर दिया गया 70,000 करोड़ का। छगन भुजबल का जाके कोर्ट में ईडी ने कह दिया उसकी फाइल खो गई, हम केस बंद कर रहे हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र है, इस चरित्र को देश की जनता देख रही है। आज की डेट में कुछ नहीं छुपा है, उसी आधार पर वोट हो रहा है, उसी आधार पर दो चरणों के चुनाव हुए हैं, उसी दो चरणों के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, संभावित हार दिख रही है। जो 400 पार कर रहे थे अब उनको डर हो रहा है कि निश्चित तौर पर 400 हार हो रही है, किसी तरह से 200 फिर मुद्दे पर लेकर आती हूँ। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, सच्चर कमेटी की भी बात यहाँ पर हो रही थी कि अगर ऐसा ही, क्योंकि कई जगहों पर मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो वो दरअसल उसको लागू करने की यहां पर बात कर रहे थे, वो कर रहे थे कि क्यों नहीं आप लोग ऐसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किया है, वोट बैंक बनाकर इन्होंने रखा था, हमने बैंक खाते खुलवाने का काम किया और इन बैंक खातों में बड़ी संख्या में बुर्का नसी पर्दा नसी महिलाओं के भी खाते खुलवाए, जिनको ये घरों के भीतर चार दीवारी के भीतर रखना चाहते हैं, जिनको अधिकार देना नहीं चाहते, जिनको चाहते हैं तलाक कहकर के उनको जब चाहे तब घर की देहरी के अंदर बैठा लिया जाए, जिन पर साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी राजीव गांधी कैसे फैसला पलट देने का काम करते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी उन मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक उम्मीद एक आशा की एक भरोसे की किरण बनकर सामने आए हैं और मुस्लिम महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी आज बड़े काम किए। लखपति दीदियों में आज बहुत सारी लखपति दीदी मुस्लिम सहवाज से भी निकल के बनी है, लेकिन ये पीड़ा है, कोई बात नहीं, इस तरह की पीड़ा और बढ़ेगी। जो भी इस प्रकार के मजहबी कट्टरता के अंधानुकरण करने वाले लोग थे उनकी पीड़ा और बढ़ने वाली है, उनका डर और बढ़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी भी और डरेंगे कि डर के कारण थरथर कांपेंगे, क्योंकि इस प्रकार के कट्टरवादिता जिनकी राजनीति जो थी ना, जो डिवीजन करने वाली राजनीति थी, ये राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। डर राहुल गांधी का भी होगा, ये डर अखिलेश यादव का भी होगा, ये डर ममता बनर्जी के भीतर भी होगा। जितने भी इस तरह के इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल के नेता है जो समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं, जो मजहबी तुष्टिकरण का प्रयास करते हैं, उन सबके भीतर ये डर होगा और ये डर समाज के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए।